गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू जयपुर सीरीज एपिसोड 2। तो गाइज, आज की वीडियो में मैं जाने वाला हूँ आमिर फोर्ट में और किसी एक और फोर्ट में, और जितना ज़्यादा घूम पाऊंगा फुल पावर उतना ज़्यादा घूमने की कोशिश करूंगा। अभी तो भाई बात लेनी है बहुत सारा, अभी रेडी होना है, ब्रेकफास्ट करना है, उसके बाद चलते हैं, निकलते हैं यहाँ से बाहर और देखते हैं कि जयपुर में और क्या क्या बढ़िया देखने को मिलता है। कल हमने हवा महल और मार्केट घूमी, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया थी वो। जैसा कि आपने, अगर आपने एपिसोड 1 नहीं देखा है जाओ जाके देखो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए फिर आगे चलते हैं, देखते हैं आगे क्या देखने को मिलता है। सो गाइज, राइट नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड जल महल। यहाँ पे किशन अंकल ड्राइव कर रहे हैं और पीछे हमारी फैमिली। जयपुर बसाया है आमेर के राजा जय सिंह ने। आमेर फर्स्ट कैपिटल है जो 490 साल पुराना आप पैलेस देखेंगे, और जयपुर उनका दूसरा कैपिटल है जो बसाया 18 नवम्बर 1727 में। अच्छा, राजा जय सिंह के जय नाम से जयपुर शहर का नाम रखा गया है, और जैसे जयपुर वैसे ही राजा जय सिंह ज्योतिष विद्वान भी थे, तो उन्होंने अन्य प्रदेशों से विद्वानों को बुला के जयपुर में ज्योतिष वेधशाला का निर्माण करवाया था प्रथम बार। फिर उसके बाद में 4 अन्य सिटियों में बनाया गया था, मथुरा, काशी, उज्जैन एंड दिल्ली। तो जयपुर को ज्योतिष विद्वान केंद्र कहते हैं। राजा जय सिंह के 2 पुत्र थे, माधव सिंह एंड प्रताप सिंह। माधव सिंह बड़े पुत्र थे, हाइट थी उनकी 7.5 फीट, वेट 230 केजी, नाश्ते में 2 किलो जलेबी, 10 लीटर दूध, 2 किलो केले एंड वस्त्र एंड गहनों में वेट होता था 30 केजी। अच्छा, अब सर मैं ये भी बता दूं कि 108 रानियां थी उनके। अच्छा, माधव सिंह के, क्योंकि राजा थे वो, राजा जय सिंह जी के बेटे थे। हाँ, माधव सिंह। सेकंड पुत्र प्रताप सिंह जो वेल्स से पढ़ के आए थे जी, वह राजा बने, तब उन्होंने हवा महल बनवाया 1778 ईस्वी के अंदर। 1803 में कंप्लीट हुआ, आर्किटेक्ट रहे हैं उसमें लालचंद उस्ताद। और जयपुर के राजा जय सिंह ने जब स्थापना की जयपुर की, इसके आर्किटेक्ट रहे हैं मिर्जा इस्माइल। तो हम मेन रोड पर रनिंग कर रहे हैं, इस रोड को बोलते हैं MI रोड, मिर्जा इस्माइल रोड। किसे पूछूं है ऐसा क्यों बेजुबान सा ये जहां है, खुशी के पल भाई। कचौड़ी तो बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। अब मैंने कचौड़ी खाकर क्यों नहीं बताया, क्योंकि यार मुझसे वो फूड ब्लॉगिंग वाले काम नहीं होते हैं, पर यहाँ देखो भाई कैसी लगी, बहुत बढ़िया थी। तो अगर आप कभी भी आ रहे हो जयपुर, तो भाई यहाँ पे लाला जी पकौड़ी वालों के पास आपको कचौड़ी ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। तो भाई सामने जो आप गेट देख रहे हैं, इसे कहते हैं जोरावर सिंह गेट। यहाँ पर सिटी के अंदर एंटर और एग्जिट जो होता है वो इसी गेट से होता है, बहुत ही खूबसूरत है देखने में। और ऐसे कुल 12 गेट हैं पूरे जयपुर में, और ये उनमें से एक है। गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं जल महल के पास, तो यहाँ पर अभी जल महल है सामने, यहाँ पे कुछ फोटोज वगैरह भी खिंचाता हूँ, पहले आपको दिखाता हूँ कि जल महल देखने में कैसा है। तो ये देखिए जल महल कुछ ऐसा दिखता है। अभी थोड़ा सा सन गलत जगह पे है, सन की ऑपोजिशन में है, तो इसलिए क्लियर इतना शायद ना दिखे, बट यहाँ पे जल महल है। 2 फ्लोर इसके पानी के ऊपर हैं और 3 फ्लोर पानी के नीचे हैं, बहुत ही बढ़िया लग रहा है, पीछे ही पहाड़ का नज़ारा है। तो गाइज अभी हमने जल महल देखा, बहुत ही बढ़िया है देखने में, बहुत बढ़िया है, मतलब व्यू पॉइंट बहुत अच्छा है, साथ में अपनी फोटोग्राफ्स बहुत अच्छी वहाँ पर खिंचवा पाएंगे। अभी यहाँ से हम चल रहे हैं नाहरगढ़ फोर्ट, वहाँ पर भी बहुत मज़ा आएगा होपफुली। यहाँ तो बहुत मज़ा आया, मैंने एक बहुत अच्छी फोटो खिंचाई, वो आपको यहाँ स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगी। चलो फिर आगे चलते हैं। मांगा है गायक तू गए हो क्यों,
गाइस अभी हम आ चुके हैं नाहरगढ़ फोर्ट पे, अभी हम इसके अंदर एंटर करते हैं, देखते हैं कि कैसा है यहाँ पर। पार्किंग का कुछ ऐसा नज़ारा है यहाँ पर, और आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा नाहरगढ़ फोर्ट की जो बाउंड्रीज हैं वो दिख रही है। यहाँ पीछे से हम एक सिटी का, पूरी जयपुर सिटी का बहुत अच्छा व्यू देखने को मिलेगा। तो गाइस यहाँ से हम एंटर करेंगे, पर उससे पहले आप लोगों को एक बार यहाँ से नज़ारा दिखाता हूँ। भाई क्या व्यू है यार। गाइस आगे फोर्ट है, बहुत ही बढ़िया यहाँ पे नज़ारा है। यहाँ पे काफ़ी सारे खूबसूरत पेड़ लगे हुए हैं, फोटोग्राफी के लिए बहुत ही बढ़िया जगह है। अगर आप यहाँ पे आते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ से देखिए आप, यहाँ पे एक बहुत अच्छा फोटो पॉइंट है, यहाँ पे अगर आप फोटोग्राफ खिंचा लें। मैं यहाँ पर ट्राई करूँगा अपनी फोटोग्राफ खिंचाने की। तो गाइज़ आज के व्लॉग में मैं इतना ज़्यादा बातें नहीं कर रहा हूँ। बेसिकली है क्या है कि यार ये जो जगह है ना, मैं खुद पहली बार एक्सप्लोर कर रहा हूँ, तो मेरा मन ज़्यादा एक्सप्लोर करने को कर रहा है, बातें करने को इतना मन नहीं कर रहा है। साथ में दूसरी चीज़ ये है कि यार यहाँ पर ना फोटोग्राफ्स बहुत अच्छी खिंचाई जा सकती हैं, जगह बहुत खूबसूरत है। तो इस जगह के बारे में मैं जब भी कुछ बोलने की कोशिश करता हूँ तो यही कहता हूँ कि यार ये बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। एक ही चीज़ कितनी बार बोलूँगा, है ना, ये सीन है यहाँ पे। और ज़्यादा इस जगह के बारे में मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, मैं पहली बार खुद देख रहा हूँ, वैसे ही आपको दिखा रहा हूँ, कोई कलर ग्रेडिंग नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो जैसी है बिल्कुल वैसी की वैसी आपको जगह दिखा रहा हूँ, बहुत ही बढ़िया जगह है, मस्ट विजिट है यार। अगर आप जयपुर में आ रहे हो तो नाहरगढ़ फोर्ट आपको एक बार ज़रूर आना चाहिए। अपने कर्म की कराना है। यह है नाहरगढ़ फोर्ट, अंदर से ऐसी दिखती है। यह बहुत ही बढ़िया व्यू हमारी इस नाहरगढ़ फोर्ट का, बहुत ज्यादा अच्छी है। क्या व्यू है यार, बहुत नेक्स्ट लेवल है यार सच में। गाइज ये है वो तोप जो इंडिया की सबसे बड़ी तोप है गाइज, और इसको जब मूव कर रहा था तो चार हाथियों का यूज़ किया जाता था। साथ में इसको आज तक एक ही बार इस्तेमाल किया गया है, उसमें जब इसे इस्तेमाल किया गया तो 50 kg का एक जो बारूद होता था वो डाला था इसके अंदर, और जब इसको चलाया तो वो 42 miles दूर जगह गिरा। तो आप सोच सकते हैं कितनी ज़्यादा खतरनाक होगी ये। ये हमारा जयगढ़ फोर्ट है, यहाँ बहुत ही इसका बहुत सारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड काफ़ी अच्छा है, आप इन चीज़ों के बारे में भी यहाँ पे पढ़ सकते हैं, आप वीडियो को पॉज करके इसे पढ़ सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। तो गाइस जब 1971 में इंडिया में एमरजेंसी लगाई गई थी तब यहाँ से 36 टन गोल्ड निकाला गया था, तो यहाँ के वाटर टैंक में से। यहाँ पे इंडिया की सबसे बड़ी तोप देखने को आपको मिल रही है, ऐसा कुछ नज़ारा है जयगढ़ फोर्ट से, बहुत ही बढ़िया। चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ है यहाँ पर, वो देख सकते हैं वहाँ पर हमारा जल महल जिसके पास हमने अभी फोटो खिंचाई थोड़े समय पहले। और यहाँ पर अगर आप देखें बहुत ही बढ़िया, मतलब अभी ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है, चाहे धूप बहुत ज़्यादा गर्मी बहुत ज़्यादा है पर ठंडी हवा चलती है तो आपको रिलीफ रहता है। तो गाइज ये देखिए
यहाँ पे जो ये खिड़की है जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये जो खिड़की है ये व्यू पॉइंट नहीं है, ये यहाँ पे तोप का इस्तेमाल करने के लिए तो था, तोप से यहाँ से फायर किया जाता जब कोई सेना वगैरह वहाँ से आ रही होती थी। साथ में यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर गन के लिए भी है, ताकि यहाँ से अंदर की तरफ बुलेट आना बहुत मुश्किल है लेकिन यहाँ से बाहर जाना बहुत आसान है।